राति पहले छगढ़ विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्यायर मतदान हो आसन पर भोट ग्रहण होगा बेले सब बुथे पुलिंग टीम पहुंची सारे कड़ा सुरक्षा मध्य भोट ग्रहण होथम पर्यायर कोड़े आसन पर दुईश तेई जन प्रार्थी निर्वाचन मैदान को ओ नक्सल प्रवण पांच जिलार शहे छप्पनटी को हेलिकप्टर जुगे पुलिंग टीम जा प्रथम पर्याय निर्वाचन कतोटी आसन में ওড়া ভোটর নিরক ভূমিকা রহব সেপটে মহিলা ভোটর ব্যবস্থা করা এ সম্পর্কের অধিক সূচনা আমি ছতিশগড় বস্তর যোড়ি হয়েছেন আমার প্রতিনিধি সুমিত ঘণ্ট এবং ছতিশগড় দন্তে ওয়ার্ডর যোড়ি হইতে প্রতিনিধি মনোজ দাস মনোজ আপনার প্রথমে যা চাইবি এবং জাঁয়া চাইবি কালি হচ্ছে ছতিশগড় প্রথম পর্যায়ে মতদান হব কিভাবে ভাবে ব্যবস্থা করা যাই যেহেতু ছতিশগড় মাও প্রবণ অঞ্চল এবং সেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা কণ করা যাইছে কষ্ট কৰিবি যদি কয়াা ছগডৰ যোন চব চেট অঞ্চল ৰন্সেট অঞ্চল যদি কয় বস্তৰ দন্তবা ই অধিক অধিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কড়কৈ কৰা যদি প্ৰথম পৰ্যায় মতদান কথা কয় ত'লে পাখা পাখি কোডি আসন পাই গত কালি মতদান হ'ব মানে কোডি আসন পাই ভোট গ্ৰহণ কৰা ইয়ে কোডি আসন পাই পাখা পাখি দুইশ তেইছ জাৰ্থী ইয়ে যদি কয় ই মতদানৰে যদি কয় দুইশ তেইশ প্ৰাৰ্থীজনক কালি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব ता सब बड़ कथा कथ पांच जिल प्रबल अंचल पाँच जिलानटी बूथ को हैलिकप्टर जगे बर्तमान जी कह आज जो पुलिंग टीम रही से गत गतकाी हम यार निर्णायक तो बर्तमान आम दतवाड़ा अंचल अच्छा किसी लोक रिएक्शन ना, ना कि प्रकृत में गत काली निर्वाचन को नहीं कितनी रही मोड़ भैया देखिए कल तो पुलंग हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्शन को लेके कैसे माहौल है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव में कौन सा पार्टी का ज्यादा महत्व रहेगा और कौन तगड़ा फाइट करेगा सर मेरे हिसाब से बीजेपी का मतदान इस बार ज्यादा होगा बीजेपी जीत सकती है जीत सकता है चांसेस ज्यादा आप लोग इस बार चुनाव में शामिल हो रहे हैं पहले वोट जी, जी। चुना पहला चुनाव है पहला चुनाव है सर पहला चुनाव जी तो कैसा लग रहा है पहला चुनाव है पहली बार आप लोग वोट देंगे अपना तो कैसा लग रहा है की माहौल अभी आएगा कौन सा सरकार बनना चाहिए और कौन आपका एरिया का विकास करना चाहिए सर मैं तो दुर्ग में रहता हूँ मेरे को यहाँ का कुछ पता नहीं है मतलब यही पे दूंगा वोट लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं है अभी कंफ्यूज तो, हूँ सर पहली पहली बार है तो सबसे बड़ी बात है आप तो युवा हो कि आजकल युवा का विकास के लिए कौन सा सरकार ज्यादा गुरुत्व तो दे रहा है कांग्रेस दे रहा है बीजेपी दे रहा है कौन सा भाजपा सरकार दे रहा है कौन सा, सा सरकार ज़्यादा अभी, अभी, अभी सर आइडिया नहीं है मेरे को उतना आपके हिसाब से कौन सा सरकार आएगा तो थोड़ा परिवर्तन होगा आपके इलाके का थोड़ा विकास हो जाएगा अभी मेरे ख्याल से भी अभी बीजेपी का ठीक लग रहा है मतलब हमारे एरिया में तो कम से कम बाकी जगह नहीं पता हमारे एरिया का लेकिन ठीक लग रहा है बीजेपी নিহিভাৱে ৰিয়াকশ্যন শুনি পাৰিব ক'তি নুব ভোটৰ অহা যদি প্ৰথম থৰ ভে সামিল হ'ব সেই মনৰ মতে গোটেই বড়ো উৎকণ্ঠা ৰৈছে কি চলিত বৰ্ষৰ্তন হোৱাৰ আৱশ্যকতা ৰোধ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছুছে বিজেপি আছুৰি তো ক'ি ভোটৰ অহা

हमारा तो, तो वोटिंग है ही नहीं ठीक है देखते हैं कौन आता है फिर भी देखिए ये तो माओ सेंसिटिव एरिया का है यहाँ पर अगर कांग्रेस आ रही है या भाजपा आ रहा है कौन सा सरकार आने से लोकल यहाँ पर जो एरिया है यहाँ का ज्यादा डेवलपमेंट हो हो पाएगा लोकल देखिए कांग्रेस आए तो अच्छा है कांग्रेस तो अच्छा तो देखिए पिछली बार तो भाजपा था तो भाजपा आएगा तो पूरा देश में विकास हो रहा है युवा का रोजगार मिल रहा है देश और लोकल में फर्क है ना हाँ। अगर लोकल में अगर कांग्रेस आता है तो अच्छा है कैंडिडेट अच्छा है लोकल का रिएक्शन सुन कोई भाजपा तो कोई कांग्रेस भाई देखिए कल चुनाव हो रहा है तो कैसा माहौल है अभी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर माहौल कैसा है ठीक है भैया ठीक तो लग रहा दोनों को तरफ बोल अभी किसी की तरफ बोल नहीं सकते फिफ्टी फिफ्टी है अभी कुछ बोल तो पहली बार जो सरकार था कौन सा सरकार था और इस बार कौन सा सरकार है और कौन सा सरकार आने से पहले भाजपा था पंद्रह साल हाँ? अभी पाँच साल से कांग्रेस है अच्छा ठीक है दोनों में काम तो ठीक हो रहा है ऐसा कुछ अभी बोल नहीं सकते अभी युवा के लिए रोजगार के लिए थोड़ा परिवर्तन के लिए कौन सा सरकार ज्यादा फोकस कर रहे हैं दोनों तो अपना अपने लेवल में काम कर रहा है उन्होंने रोड रोड का डेवलपमेंट ज्यादा किया था इनके टाइम में एग्रीकल्चर में थोड़ा फोकस ज्यादा है कांग्रेस एग्रीकल्चर फोकस थोड़ा युवा का बात किया जाए तो युवा को कौन ज्यादा फोकस दे रहा है कांग्रेस का सरकार दे रहा है भाजपा दे रहा है युवा के लिए दोनों ने किए कुछ दोनों में आ, तो मैं तो नहीं मां दोनों में भी कुछ का, खास काम नहीं है युवा तो के लिए किसान को ज्यादा गुरु कौन दे रहा है ये कांग्रेस का इसमें है? तो अभी फिलहाल तो भूपेश बघेल सरकार ने किसान में फोकस किया है लेकिन अभी और हो सकता है मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह मक्का की खरीदी बढ़ा सकते हैं मक्का की खरीदी में उतना फोकस दोनों गवर्नमेंट का नहीं है कर सकता है कुछ फायदा हो सकता है मक्का हमारा बिक नहीं रहा है हम तो खुद किसान है मक्का हमारा बिकता नहीं लेती नहीं है सरकार हाँ मकई का बिक्री ज्यादा हो जाए तो शायद दोनों सरकार नहीं कर रहा है उसमें ध्यान नहीं दे रहा दोनों में तो जी जी जी

ছশগড় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মহাদেব বেটিং আপে বর্তমান ইডি স্কানের রয়েছেন তাহা তাঁর ভোট উপরে প্রভাব পড়ে পে কি বর্তমানে আপনার যে রয়েছেন বস্তরের সেখানে মাহল কে দেখুমান লোক প্রতিক্রিয়া কম কাহ পলা টিকি অধিক ভারি রই জড়ছে দেখুন রশ্মি বর্তমান আমি অছু ছগড় জগদলপুর अंचल अच्छी जोटा कि बस्तर जिलार जगदलपुर जो कन्स्टिट्यूसी अच्छी से ही अंचल अच्छू यठाकर आमें जित आगुरी आम स्थित परीक्षी ये कौटिना कौटी गोटे एंटी इनकमसी हावा जमती कि को गोटे कथा को कही रखा चाहे यही अचल जो विधायक थे विधायक कंग्रेस रू थे कि अंचल कि विकास धारा सेमतीका डेभलप हो पाने तेणुक कौटिना कौटी जनता यी खफा होती आउ किज भोटर्स को आम से प्रतिक्रिया नहीं जहाँ कौन यिफ्टी फिफ्टी टक्कर अच्छी ये जोरदार टक्कर हवार जो संभावना रही कि भूपेश बगल रोज सरकार रही कौटिना कौटि से अंचल से এই অঞ্চলৰ জনত জবাব দাবুক পি পাৰে কাংকি না আপোনাক গোটেই কথা কৈ ৰখিবোৰ বস্তৰ জিলা অঁ বস্তৰ জিলা খাছ কৰিও প্ৰৱণ অঞ্চল এই অঞ্চলৰে মাওবাদী দবদবা বেছ এঠি প্ৰভাৱিত ৰবাদী এই বহুত মাত্ৰ সেই জাহিৰ কৰি থাকে বিগত দিনত মাওবাদী সেই বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসা কাণ্ড কৰি কিন্তু कौनसी ना कौन स्र ये सरकार अच्छी कांग्रेस सरकार कौटिना कौटी, कौटी माओवादी हिंसा मारी तो, आ, को रोकवे फेल मार्च तो किसी स्थानीय बासीदा अच्छा सीधा साल रिएक्शन ना बर्तमान अब अच्छे दंतेश्वरी मंदिर निकट में अच्छू सीधा सड़क रिएक्शन नवा जन स्थानीय बासिंदा अच्छा सर क्या बोलिए आप जो यहाँ पे इलेक्शन जो चल रहा है पाँच साल में जो चल रहा है पाँच साल का कैसा शासन था अभी कैसा इलेक्शन चल रहा है अभी कैसा माहौल यहाँ पे अभी तो शहर में देखा जाए तो शहर में देखा जाए तो बीजेपी की हवा चल रही है तो बल्कि गांव का नहीं कहा जा सकता शहर में बीजेपी लीड लेगी शहर से जगदलपुर शहर से बीजेपी की लीड होने की बहुत संभावना ज़्यादा है अगर गाँव में अगर वो अगर कांग्रेस की लीड नहीं होती है तो बीजेपी की जीतने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने जो इनका पूर्व विधायक था विधायक का था, था उनका टिकट काट के एक, एक पूर्व महापौर को टिकट दिया गया जतिन जायसवाल को जिनका गांव में कोई वो नहीं है जबकि किरण देव जो है संगठन के आदमी है बीजेपी का और एक अच्छे और इसलिए बीजेपी के जीतने ज्यादा है वो कहाँ ना से बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं ऐसे हवा में क्रिएट हो रहा है वो वो बारे में क्या बोलना चाहते हैं जैसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यहाँ पे स्टैंड दे रहा है तो जतिन जायसवाल जो यहाँ पे मुख्य भूमिका में थे उनको टिकट काट के अभी जो जिनको टिकट मुख्य विधायक थे, भी, भी थे। उनका हाँ जतिन को दिए हैं जतिन जतिन का जो समर्थन है और उनका उनको दोनों के अंदर कोई आ, मन मुताव है नहीं मन मुताव क्या है वो पार्टी वाली बात है शासन उनका है तो दबाव में सब काम कर रहे हैं कि भाई अभी बीच में जैसे अभी टी रवि करके एक निर्दलीय भरे थे कांग्रेस से प्रत्याशी जिन्होंने जिन्होंने बाद में अपना नाम जतिन के समर्थन में वापस लिया है कि मतलब बाद में कुछ शासन आने से हमको कुछ वो हो होगा बोल के उसी में ही चल रहा है मतलब अभी शहर में स्पेशली भूपेश बघेल के जो सरकार है ग्रामीण अंचल में क्या क्या विकास किए हैं जैसे कि हम लोग तो देख रहे हैं बस्तर अंचल में पूरा उड़ीसा का जो बॉर्डर रहता है वो अंचल में विकास पूरा शून्य हो गया है इस बारे में क्या बोलने चाहते हो आप नहीं तो भूपेश बघेल जी खाली क्षेत्रीयवाद में रहे हैं विकास के नाम पे कुछ नहीं आप चाहे रोड में चले जाए अभी रायपुर रोड जाइए खाइए या अभी आप लोग उड़ीसा से आ रहे हैं यहाँ पर रोड का हाल कैसा है आप ही बता सकते हैं आप रोड का बुरा हाल है बाकी सब चीज़ में छोटे मोटे में जो भी अपना देते रहे बाकी विकास में पीछे हैं ये यहाँ पे जो कांग्रेस का जो दबदबा है वो थोड़ा माओ के साथ जुड़ा हुआ है और दो तो माफिया लोगों के साथ जुड़ा हुआ है उस बारे में क्या चाह बोलने चाहते हैं कि आप तो, तो स्थानीय नहीं तो हम तो शहरी लोग हैं शहरी लोग इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते ना कि इस इसके लिए आपको गाँव के अंदर जाना पड़ेगा जिससे कि क्या नक्सलियों का चल रहा है उससे आपको वहाँ पर पता चल सकेगा सर तो खास करके ये एरिया में बीजेपी आने से जो इश्तिहार दिया गया है इश्तिहार देने के बाद पिछले टाइम तो थोड़ा मुकाबला थोड़ा पगड़ा कांग्रेस का ज़्यादा लग रहा था इश्तिहार बीजेपी देने के बाद थोड़ा थोड़ा मूड चेंज हुआ है और यहाँ का थोड़ा मूड कैसा है बीजेपी की तरफ से नहीं बीजेपी शहर में लीड कर रही है कांटे की टक्कर है बस ये क्या है कि ना ये भूपेश के सामने चेहरा पेश नहीं कर पाए कांग्रेस वाले बीजेपी वाले क्योंकि रमन सिंह की पंद्रह साल सरकार थी वो एंटी का इम्पेक्सिका शिकार हो गई अभी अगर चेहरा प्रेस करते तो आज बात दूसरी रहती छत्तीसगढ़ प्रथम पर्याय मतदान दबाई जा चार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा कि सुरक्षित तो भाव मतदान दि जा किओ प्रबण इलाका कि सुरक्षित तो मतदान करें सीमा सुरक्षा बल मान नियोजित रही पुलिस प्रशासन সবু জায়গার পঁইতরা মারুমান এবং লোকে মানে দেখুছন্তি কেউ সরকার অধিক গুরুত্ব দেধারণ সমস্যাগুড়ি তা মতদান গ্রহণ হব সাব্যস্ত হব বলে যা প্রতার আমি শুণুলে বহু ধন্যবাদ সুমিত মনোজ আপনার সমস্ত সূচনা এবং আলোচনা যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগলা তবে আমার চ্যানেল সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল